गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 3 करेंगे, वर्ण और वर्णमाला। इस पार्ट में वर्ण, स्वर, व्यंजन और वर्णमाला के बारे में बताया गया है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, आम की ध्वनि में आम, कार, आम, कार की ध्वनिया में कार। हमारे मुख से निकलने वाली ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर कहा जाता है। वर्ण शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण के टुकड़े नहीं होते क्योंकि वो सबसे छोटी है। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। दो तरह के होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। नंबर वन, स्वर। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, आ बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। ये सारे क्या हैं, हमारे स्वर हैं। अब है बारी व्यंजन की। व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। 33 मतलब 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श और श स ह। ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं। अब बात करेंगे वर्णमाला की। स्वरों तथा व्यंजनों के व्यवसायिक कर्मों को वर्णमाला कहते हैं। यह भी जानो, हिंदी में कुछ और भी वर्ण होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। जो वर्ण हमारी इसमें नहीं आए वो पढ़ेंगे। जैसे वर्ण को ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। ऐसे वर्ण या फिर ऐसे शब्द जो ना ही स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन माने जाते हैं वो है अंग, अणा और अणा खाली। अंग मतलब अंग से अंगूर वाला, अणा मतलब चंद्रबिंदु वाला और अणा खाली। इन तीनों को ना ही ये स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ऐसे वर्णों को जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ऐसे वर्ण जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, श्र, त्र, ज्ञ और श। ये चार ऐसे अक्षर हैं या फिर चार ऐसे वर्ण हैं जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ऐसे वर्णों को जो व्यंजनों में शामिल किए गए हैं। ऐसे वर्ण जो व्यंजनों में शामिल किए गए हैं वो है ड और ढ। ये दोनों ऐसे वर्ण हैं जिन्हें व्यंजनों में मतलब 33 जो हमारे उसमें हैं उसमें शामिल किया गया है। हमने सीखा हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है वो वर्ण होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ये दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। स्वर तथा व्यंजनों के व्यवसायिक कर्म को वर्णमाला कहते हैं। जब वो एक साथ लाइन में आते हैं तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं। और अण, अणा, अणा खाली ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। श्र, त्र, ज्ञ तथा श्र ऐसे वर्ण हैं जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। अभ्यास, सही उत्तर पर टिक लगाएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। दो व्यंजनों के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है? श और श दोनों बनते हैं तो दोनों पे टिक लगाएंगे। इनमें से व्यंजन कौन सा है? अंखाली फ है या अणा है? ये दोनों तो नहीं है ना। व्यंजन कौन सा है? फ से फल वाला। लिखे स्थान भरिए। बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। वर्ण डैश प्रकार के होते हैं दो। हिंदी में डैश व्यंजन होते हैं 33। ड और ढ डैश में शामिल किए गए हैं व्यंजन। रिक्त स्थान में छूटे हुए शब्द स्वर लिखिए। जैसे बड़ा नहीं लिखा, छोटी लिखी है, बड़ी नहीं लिखा, छोटी ऊ लिखा है, बड़ा ऊ नहीं लिखा, ऋषि लिखना है, एडी लिख दी है, ऐनक नहीं लिखी, ओखली लिखी है, औरत नहीं लिखी। जो इसमें मिसिंग है वो हम भर देंगे। चित्र को देखकर सही व्यंजन से शब्द पूरा कीजिए। जैसे आपको ये दिख रहा है तो इसे पूरा करेंगे, बन जाएगा छतरी। ये हमें दिख रहा है, इसे है गमला, तो ये बन जाएगा गमला, गमला। नेक्स्ट है तराजू, नेक्स्ट पतंग, फिर अगला है ओखली एंड लास्ट है किसान।
कुछ स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें अलग अलग कीजिए। इस पूरे बॉक्स में स्वर और व्यंजन मिक्स कर दिए गए हैं, आपको अलग अलग करने हैं स्वर और व्यंजन। जैसे पहला है बड़ा ऊ, वही स्वर होता है, यहाँ आएगा। म व्यंजन है तो म वाले में आएगा, बड़ा से आम स्वर है तो यहाँ पे आएगा। एल व्यंजन है तो यहाँ पे आएगा ल। फिर फ हमारा व्यंजन है तो फ इस तरफ आएगा। छोटी ई स्वर है तो यहाँ पर आएगी। अणा खाली यहाँ पे आएगा। ऐसे ही करके आप ये सभी स्वर और व्यंजन को छांट कर लिखेंगे और अब आप इसे सुंदर सा डन करेंगे और अच्छे से रीडिंग करके इसका अभ्यास वर्क पूरा करेंगे। थैंक यू।